चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इलाहाबाद की खबर से। माघ मेले से पहले ही गंगा के पानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद में गंगा जल लाल हो जाने से साधु संतों में हड़कंप मच गया है। माघ मेला शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में गंगा का पानी लाल होने से साधु संतों के साथ साथ प्रशासन भी परेशान है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नरोरा डैम से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो कुछ ही दिनों में इलाहाबाद पहुंच जाएगा। संगम के पानी की लगातार जांच की जा रही है। वहीं नमामि गंगे योजना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम ने इसे लेकर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को खत लिखा है। दूसरी तरफ माघ मेला प्रशासन ने गंगा जल के नमूने को जांच के लिए भेज दिया है। सवाल उठता है कि गंगा को मैला करने के लिए जिम्मेदार कौन है। गंगा हद से ज्यादा मैली हो गई है। जिस गंगा के पानी को अमृत कहते हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। गंगा का जल गंदा हो गया है, लाल हो गया है गंगा का पानी। जिस गंगा के पानी में आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिसके आचमन से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, वही गंगा जल गंदा जल हो गया है। संगम नगरी की तस्वीर है। ये साधु यूं ही नहीं हाथ में गंगा जल लेकर दिखा रहा है, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गंगा जल में कितनी गंदगी है। गंगा जल के लाल होने के बाद से साधु समाज और श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा हुआ है। नमामि गंगे योजना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम भी गंगा के बदलते रंग को देखने पहुंच गई। एक चिंता की बात है कि गंगा जी का पानी लाल हुआ है और इस बात की जानकारी मिलने के बाद अभी मैं गंगा जल को जाकर आचमन करने के लिए गया था और स्वरूप वास्तव में अच्छा नहीं है। तो अभी मेरी बात हुई है और यह जानकारी दी गई है कि 5 जनवरी तक नरोरा से जल छोड़ा जाएगा, यहाँ पहुंचेगा और 29 तारीख से मैं लगातार यहाँ पर रहने वाला हूँ। 5 जनवरी से संगम के तट पर मेला लगने वाला है। गंगा में डुबकी के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गंगा जल के बदलते रंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिले के अधिकारियों को गंगा के पानी में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। बात सही है कि सिंचाई डाउनस्ट्रीम में जो वाटर लिफ्टिंग हो रही है और डाइवर्शन थ्रू कैनाल्स हो रहा है, उसकी वजह से पानी का लेवल काफ़ी कम हुआ है पिछले 10 दिनों में। उसकी वजह से लेके थोड़ी समस्या है, पानी में थोड़ा मटमैला पहने, उसकी हम वाटर टेस्टिंग कराई मैंने, क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कम पानी की वजह से मटमैला पानी जो है वो विजिबल है। कलेक्टर साहब को भले ही कुछ गड़बड़ ना दिखे, लेकिन गंगा में रोज डुबकी लगाने वाले गंगा जल के रंग रूप पर सवाल उठा रहे हैं। इस सब के बीच प्रदूषण विभाग ने गंगा जल को जांच के लिए भेज दिया है। प्रशासन की माने तो जल्द ही समस्या खत्म हो जाएगी। 25 तारीख से पानी नरोरा बराज से छोड़ा गया है और उसकी लेवल वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 5:06 की रात में जब ये पहुँचेगा तो मैं समझता हूँ यहाँ की पानी की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। और मैंने यहाँ के जो अन्य संगठन हैं, महात्मा लोग हैं, अन्य साधुगण हैं, उनसे भी हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। माघ मेला शुरू होने में केवल 10 दिन बचे हैं। गंगा का पानी निर्मल नहीं है और लाल हो रहा है। इधर वादे और दावों के सिवाय कुछ नहीं हो पा रहा है। 10 दिन बाद गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। दिनेश सिंह, इंडिया 24/7। और इसी खबर पर अजय बातचीत के लिए इलाहाबाद से हमारे रिपोर्टर इस वक्त दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या वजह इसकी मानी जाए, लगातार क्यों रंग बदल रहा है? दूसरा ये सवाल लोगों की आशा से भी जुड़ा है क्योंकि कुछ ही दिनों में वहां पर माघ मेले की शुरुआत होनी है। बिल्कुल, देखिए 5 जनवरी से यहाँ माघ मेले का जो पहला स्नान है वो फिर उसका आरंभ हो जाएगा और 2 महीने तक यहाँ पर संगम की रेती पर करीब 5 से 7 लाख के आसपास प्रवासी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे माघ मेले में करीब 1.5 करोड़ से आसपास लोग श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए ये सारा इंतजाम होते हैं। इसी चीज को लेकर के साधु संत भी परेशान है, श्रद्धालु भी परेशान है। 2 जनवरी से साधुओं का एक जो समूह है वो यहाँ पर अनशन करने जा रहा है इसी मांग को लेकर के, जबकि प्रशासन का ये मानना है कि 25 तारीख को पानी नरोरा बांध से छोड़ दिया गया है। ये एफिडेविट भी कोर्ट के सामने प्रशासन ने दिया है, लेकिन स्थितियां जो सामने दिख रही है वो अलग है। इसी को लेकर के साधु संत
और नमामि गंगे एक्शन कमेटी है वो दोनों गुस्से में है। प्रशासन ने अभी भरोसा दिलाया है कि हो सकता है कि दो तीन दिन के बाद में इसका रंग है जो वो लाल या काला जो हो रहा है वो वापस अपने पूर्ण स्थिति पर आ जाएगा। यही कारण है कि साधु संत अभी इंतजार कर रहे हैं बुजुर्ग मरीजा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये गंगा का जो पानी है लगातार बदल रहा है उसको लेकर साधु संतों के साथ साथ आम लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है और यही वजह है कि 2 तारीख से साधु संत जो है वो अनशन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते ही आगे बात करेंगे अब राजस्थान की। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना महावीर नगर इलाके की है। भानु नाम का ये छात्र बिहार का रहने वाला था और वाइब्रेंट कोचिंग संस्थान से फाउंडेशन का कोर्स कर रहा था। छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन कहा जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में था। पुलिस ने भानु के शव को मॉर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे छात्रों के सुसाइड करने की तीसरी घटना है और इस महीने 5 छात्रों ने कोटा में खुदकुशी कर ली है और कोचिंग के छात्रों की मौत का आंकड़ा 29 तक पहुँच गया। कोटा को एजुकेशनल हब कहा जाता है। कोटा में ऐसे कई संस्थान हैं जो छात्रों को कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं लेकिन पिछले लंबे समय से कोटा की चर्चा पढ़ाई के लिए कम और छात्रों की खुदकुशी के मामलों के लिए ज्यादा होती रही। यहां एक बार फिर से कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2001 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। भानु कुमार नाम पता चला है। सहरसा बिहार का रहने वाला है। इसने कमरा नहीं खोला तो इसके जो कजिन्स वगैरह कहीं आसपास रहते हैं उनको फ़ोन किया। उसने अपने घर वालों को जो नो रिप्लाई हुआ फ़ोन पे तो इनको भी थोड़ा शक हुआ, मकान मालिक वगैरह को भी। तो जब इन्होंने थोड़ा सरिया वगैरह फंसा के फिर भी इनको नहीं खुला तो खिड़की से इन लोगों ने देखा तो ये बंदे को लटका हुआ था। कोटा में एक हफ्ते के अंदर तीसरे कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की है। मृतक छात्र भानु कुमार बिहार का रहने वाला था। ये छात्र महावीर नगर इलाके के एक मकान में किराए पर रहता था। मृतक छात्र वाइब्रेंट कोचिंग संस्थान से फाउंडेशन कोर्स कर रहा था। हालांकि मृतक छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि तनाव के चलते इस छात्र ने आत्महत्या की है। आखिर वो कौन सा दबाव है, किसका दबाव है जिसके चलते छात्र अपनी बेशकीमती जिंदगी को पल भर में खत्म करने लगे हैं? आइए छात्रों से ही जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे के ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि घर वालों से भी उस पर प्रेशर है कि वो निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। कई उसे डिमोटिवेट भी करते हैं बच्चे को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा और घर वालों को लग रहा है कि वो जा रहा है पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसमें जब उसके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो उस पर फिर प्रेशर और क्रिएट होता है। मतलब माता पिता का जो सपना रहता है कि मतलब डॉक्टर बनेगा और ये मतलब हमारे सपना को पूरा करेगा तो इतना प्रेशर पड़ जाता है जो कि टेस्ट हो गए और भी मतलब बहुत सारे कि मतलब इतने मतलब माँ बाप ने मतलब पैसे फेंके कि आप इसका उसका मतलब क्यों मतलब इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और क्या मैं इस लायक नहीं हूँ क्या यूज कर पा रहा हूँ। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद छात्रों की आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है लेकिन बावजूद इसके मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। एडमिशन से पहले सबसे पहली बात तो ग्रुप काउंसलिंग पेरेंट्स का एडमिशन से पहले हो, सभी पेरेंट्स एंड बच्चों का एक साथ वहाँ पे जो है अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस एंड इस एग्जाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वे लोग, टॉपर्स को शोकेस करने की जो प्रवृत्ति है अपनी को इसको अपन रोके। छात्रों की मौत की वजह चाहे कोचिंग संस्थान हो या फिर माता पिता का दबाव, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि इन मामलों के चलते अब कोटा का नाम एजुकेशनल सिटी की बजाय सोसाइट सिटी के नाम से ज्यादा चर्चित हो गया है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। वहीं अगर कोटा में छात्रों की खुदकुशी करने के आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 5 जून 2015 में झारखंड की रहने वाली छात्रा कोटा आइलैंड से कोचिंग कर रही थी, तनाव के चलते खुदकुशी कर ली। तारीख 7 जून यूपी के सहारनपुर के रहने वाले 17 साल के छात्र भूपेंद्र ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। भूपेंद्र एलन संस्थान से कोचिंग करता था। तारीख 16 जून 2015 यूपी के जौनपुर से कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र दिव्यांश ने खुदकुशी कर ली। दिव्यांश एलन संस्थान से मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तारीख 20 जुलाई 2015 इलाहाबाद से कोटा में आईआईटी की कोचिंग कर रहे छात्र अविनाश ने खुदकुशी कर ली। अविनाश
रेजोनेंस कोचिंग संस्थान का छात्र था। वहीं अगर बात की जाए अगली तारीख की तो 11 अगस्त 2015 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कोटा में एलन संस्थान से आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र योगेश ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं मौत के जो आंकड़े थे वो भी और बढ़ते रहे। 13 अक्टूबर 2015 में भी ऐसा ही मामला सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर से आकर एलन संस्थान से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र सिद्धार्थ ने अपनी जान दे दी। 28 अक्टूबर 2015 को भी ऐसा ही मामला सामने आया। राजस्थान के भीलवाड़ा के 17 साल के छात्र विकास ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। विकास कोटा के रेजोनेंस संस्थान से आईआईटी की तैयारी कर रहा था। 1 नवंबर 2015 को भी ऐसा ही मामला सामने आया। यूपी के मुरादाबाद से कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा अंजलि आनंद ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अंजलि एलन संस्थान से कोचिंग करती थी। तारीख 3 दिसंबर 2015 पंजाब के लुधियाना के छात्र वरुण ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। वरुण भी एलन कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर रहा था। जबकि 23 दिसंबर 2015 को भी खुदकुशी का ऐसा ही एक मामला सामने आया। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले शिवदत्त ने भी फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। शिवदत्त एलन कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर रहा था। कोटा में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक पढ़ाई में तनाव के चलते 29 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों है? कोटा की कोचिंग संस्थान मौत का दूसरा नाम बन गए। आखिर क्यों कोचिंग संस्थान केवल पैसे कमाने का एक धंधा बनकर रह गए हैं? सवाल ये भी कि हर साल सैकड़ों घरों के चिराग कोटा में बुझ जाते हैं, लेकिन मामले पर लोगों की खामोशी है कि टूटती ही नहीं। इन कोचिंग में कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ाया जाता है ना तो कोई जानता है और ना ही सवाल उठता है। साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला इतना पेचीदा है? और इससे जुड़ी हुई गाइडलाइंस भी आपको बता देते हैं। ऐसे हालात तब हैं जब कोचिंग संस्थाओं के लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं। बिना काउंसलिंग दाखिले पर लगी पाबंदी, स्क्रीनिंग टेस्ट के बिना नहीं होगा दाखिला। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स के बैच भी अब नहीं बदल पाएंगे। विज्ञापनों में टॉपर्स की फोटो नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स को हर हफ्ते देनी होगी एक छुट्टी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की नींद का भी ख्याल रखना होगा। काउंसलर की जगह पहले से तय होगी। काउंसलिंग का मॉड्यूल कराना होगा अप्रूव। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुंदेलखंड की बदहाली और गरीबी की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। ये तस्वीरें न सिर्फ बुंदेलखंड की असली हकीकत को बयां करती हैं, बल्कि इस इलाके के लिए चलाई जा रही तमाम सरकारी योजनाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए केंद्र और यूपी सरकार चाहे जितनी योजनाएं चला रही हों, लेकिन इसके बावजूद बुंदेलखंड का बचपन खतरे में है। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के हालात काफी दयनीय है। ललितपुर जिले में 5 साल तक के करीब 2.5 लाख बच्चे हैं, जिनमें से करीब 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में ललितपुर में 5 साल तक के 10,712 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। कुछ समस्या है, गरीबी है और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए। यही सब कारण है और इसके लिए अब हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हमारी टीम्स जाती हैं गांव-गांव में, कैंप्स लगते हैं, उसमें बताया जा रहा है माओं को कैसे बच्चों का ध्यान रखना है। पंजीरी वितरित की जा रही है जो कि प्रोटीन रिच है, एनर्जी डेंस फूड है। ये सब चीज़ें की जा रही हैं। जो ज़्यादा गंभीर हैं, अल्प वजन के शिकार बच्चे हैं, उन्हें हम न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। वहाँ जब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक उनका इलाज किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और क्षेत्रीय सांसद उमा भारती ने आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव को गोद लिया है, वहां भी 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ललितपुर जिले में बच्चों को कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, पौष्टिक आहार वितरण और टीकाकरण समेत तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देता। सरकार द्वारा जो दिया जाता है पंजीरी वगैरह, वो मिलती है? नहीं मिला। नहीं मिलता? फिर क्या खिलाते हो बच्चों? अब क्या खिलाते?
कछु नहीं खिला। ललितपुर जिले के सहरिया आदिवासियों के इलाके में हालात और भी खतरनाक हैं। यहाँ पोषाहार के नाम पर बटने वाला भोजन भी बच्चों को नहीं मिलता, लिहाजा पौष्टिक भोजन के अभाव में जच्चा बच्चा दोनों शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। कुपोषण को लेकर के बहुत ही गंभीर हालात है। यहाँ 0 से 5 वर्ष के लगभग 2.5 लाख बच्चे हैं, उनमें से 40% करीब जो है कुपोषित कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषित है, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। और यहाँ का जो प्रबंधन है, जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हैं उनको देखें तो सही तरीके से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। और लगभग 10,000 के आसपास अति कुपोषित गंभीर बच्चे हैं जिनको NRC में भर्ती कराया जाना चाहिए, लाभ दिलाया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वहीं ललितपुर के DM का कहना है कि जिले में काफी गरीबी है, इसके चलते ज्यादातर बच्चे काफी कमजोर और कुपोषित हैं। इस पर रोक लगा पाना काफी मुश्किल हो रहा है। उनके मुताबिक योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। लोगों को भूख और गरीबी से लड़ने के लिए सरकार की योजनाओं में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इलाका बदहाल है। बुंदेलखंड का कल माने जाने वाले नौनिहाल ही जब कुपोषित हैं तो फिर इलाके के विकास की कल्पना बेमानी है। अमित सोनी, इंडिया 24/7, ललितपुर। एक 10 साल का छात्र जो एक हादसे में अपना एक हाथ गवा चुका था, गरीबी की वजह से सही इलाज नहीं हो पाया, अब नौबत एक पैर काटने की आ गई। बात कर रहे हैं गाजीपुर के विशाल की। विशाल की गरीब माता पिता ने PM से CM तक, मंत्री से विधायक तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिखी। आखिरकार एक सामाजिक संगठन की मदद से उम्मीद की किरण दिखी है, अब प्रशासन की नींद खुली है, विशाल के उचित इलाज का आश्वासन दिया गया है। महज 10 साल की उम्र में विशाल ने जिंदगी के वो जख्म देखे हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। छोटी सी उम्र में विशाल अपना एक हाथ गवा चुका है। विशाल के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बेटे का बड़े अस्पताल में इलाज करा सके। नौबत ये आ गई है कि डॉक्टर विशाल का एक पैर काटने की बात कर रहे हैं। 11,000 वोल्टेज का तार विद्यालय के ऊपर से जा रहा था, उसे टच हुआ, बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। वाराणसी के कबीर चौरा सहित एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। बायां हाथ इसका पूरा पूरा काट दिया गया। अब पैर कटने की स्थिति है। महीनों पूर्व चिकित्सालय से बच्चे को निकाल दिया गया क्योंकि इस परिवार के पास पैसे नहीं थे। एक दूर खेत नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, इसके पिता मजदूरी करते हैं, ऐसी स्थिति में इलाज होगा कैसे। दरअसल 21 जुलाई को एक निजी स्कूल की छत पर खेलते समय विशाल करंट की चपेट में आ गया था। जिंदगी बचाने के लिए विशाल का एक हाथ काटना पड़ा था। उस समय विशाल को अस्पताल से छोड़ दिया, लेकिन अब डॉक्टर का कहना है जान बचाने के लिए विशाल का पैर काटना पड़ेगा। इलाज के लिए विशाल के माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माता पिता ने अपना खेत बेचकर बेटे का इलाज कराया, लेकिन अब पैसे की कमी होने की वजह से निजी अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया। गईनी भरल समाज रहे उमा कहने कि मेरे बच्चा के आप साहब बचा ले, हमारे बच्चा का पैर काट दी तो हम ना जी पाए। तो कहना कि डॉक्टर साहब तो फोन कहना, कहना कि फ्री में इलाज कर दिया तनी, तो हम फ्री में इलाज वो कहना गईनी एक दिन पूछने कि डॉक्टर साहब फ्री में इलाज कर कला तो कहा तुम कि इलाजवा तो करा दवाइया कहाँ से आई। समाज सेवी संस्था समग्र विकास इंडिया की मदद से विशाल के परिवार ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सांसद से विधायक तक, यहां तक मुख्य सचिव से भी मदद मांगी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिला। हमने भी प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर एक शिकायत किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे प्राप्त है। हमने मेल किया था प्रदेश के मुख्यमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, मैंने इतना तक कह दिया है कि बच्चे की जान जाएगी तो पाप आप सभी को लगेगा। आखिरकार जिला अधिकारी कार्यालय पर अपने बेटे को लेकर विशाल के परिवार ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह के दौरान SDM पीड़ित परिवार से मिलने भी आए, लेकिन वो आश्वासन देने के बजाय उल्टी उलझ पड़े।
जब एडीएम भू राजस्व से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इलाज का आश्वासन तो दिया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ते दिखे। 21 जुलाई को पढ़ने गया था, वो छत पर वो गया, वहाँ पर इसको विद्युत करंट लग गए, जिसमें इसका एक हाथ कट गया है, शेष जो है अभी काफी जल गया है। इसके इलाज है तो इनको इलाज के लिए बता दिया गया कि अस्पताल में ले जाए और जो संभव सहायता होगी वो सहायता दिलवाई जाएगी। हाँ नहीं, अब तो ये लाए हैं, उसका भी जांच कराई जाएगी कि विद्यालय बाद में बना है कि हाई टेंशन तार पहले गया है, और उसमें जो दोषी होगा उस विभाग से आख्या ली जाए, कार्रवाई की जाएगी। चारों तरफ चक्कर काटने के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासन की और विशाल का मुफ्त और सही इलाज कराने का आश्वासन दिया गया है। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, गाजीपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार बम धमाका हुआ है। अफगानिस्तान सरकार ने धमाके की पुष्टि कर दी है। एयरपोर्ट के गेट के पास कार में धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में जोरदार धमाका हुआ और अफगानिस्तान सरकार ने धमाके की पुष्टि भी कर दी है। तो दरअसल किस मकसद को लेकर यह धमाका किया गया है और कौन इस आतंकी हमले के पीछे है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने हमले की पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट के गेट के पास कार में बम धमाका हुआ है और अफगानिस्तान सरकार ने धमाके की पुष्टि कर दी है।